इस्लाम दे विच मुहम्मद साहब तो बाद धर्म नूं संभालण दे लई, धर्म नूं चलाउण दे लई किसे शख्स की लोड़ सी, सो उन्हां नूं कहिंदे आ खलीफा। इस्लाम धर्म दे विच कुल चार खलीफे होए ने हुण तक, ते अज आपां उसे बारे गल्लबात करांगे कि ये जो चार खलीफे सन ये कौन कौन सन, ते उस तो बाद इसे सीरीज़ नूं अगे बरकरार रखते हुए मुहम्मद अली मिर्जा साहब की एक वीडियो है, ठीक है, उन्हां दी वीडियोज़ दे विच आपां देखांगे कि जिन्ने भी जो खलीफे होए हैं वो किद्दां किद्दां ते उन्हां दी अगे जीवनी की सी। ठीक है, होप सो कि तुसी इस सीरीज़ नूं भी पसंद करोगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि इस्लाम की रहनुमाई करन दे लई किहड़े खलीफे नियुक्त किए गए। आ जाओ वीडियो शुरू करने तो पहले अपने चैनल करो सबसक्राइब, चैनल खोलोंगे इतने तुम्हें होर चैनलों की लिस्ट देखने मिल जाएगी, उन्होंने भी चैक जरूर कर लियो। तो लगते हाथ मैंबरशिप वाला जो बटन है ज्वाइन बटन, उन्होंने भी क्लिक करके मैंबरशिप ज्वाइन करो, अपनी सपोर्ट दिखाओ तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी करो। इस्लाम को एक रहनुमा की ज़रूरत थी, फिर सहाबा ने मिलकर ये फैसला किया कि पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बनाया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक सबसे ज़्यादा हुजूर के करीब थे और आपने पूरी ज़िंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी। आपने अपनी मालो दौलत इस्लाम के लिए कुर्बान कर दिया था। आपने बहुत ही अज़ियतें झेली, इस्लाम को आपने इज़्ज़त और शरफ बख्शा। हुजूर को आपने अपनी बेटी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, माँ आयशा को आपकी निगाह में दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की विलादत 573 ईस्वी को हुई और 634 ईस्वी में आपकी वफात हो गई। आपकी खिलाफत 632 से 634 तक कायम रही। आपकी विसाल के बाद आपकी तदफीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में आपकी कब्र अनवर मौजूद है। अब हम इस्लाम के दूसरे खलीफा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में बात करेंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान ये थी कि कबूल इस्लाम के बाद आप जिस रास्ते से जाते, शैतान वहाँ से कई कई दूर भाग जाते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इस्लाम कबूल करना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का शरफ हासिल हुआ और एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम हक पर हैं। हज़रत उमर ने फरमाया, तो हम इस घर में नमाज क्यों पढ़े, हम बाहर जाके नमाज अदा करेंगे। और आपने इस्लाम लाने के बाद लोगों के दरवाजे पर जा के कहा कि मैं उमर इस्लाम ले आया हूँ, अगर किसी को तकलीफ है तो अपना बेटा भेज दे सर कटाने के लिए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि उमर का शहीद हो जाना, क्योंकि हज़रत उमर के शहीद होने के बाद ही फितने पैदा होना शुरू हो गए। आपके दौर में अमन और शांति कायम थी। हज़रत उमर का वाक्य एक ये भी है कि जब रात हो जाती तो आप भेष बदल कर मदीना की गलियों में गश्त लगाया करते थे कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई किसी को कुछ तकलीफ तो नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर से इतना प्यार किया करते थे। आप 584 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए और 644 को आपकी वफात मदीने में हुई। आपकी भी कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू में मौजूद है। आपकी हुकूमत में इस्लाम की सरहद आधा एशिया, आधा यूरोप और आधा अफ्रीका तक पहुंच गई थी। आपने 634 से 644 तक हुकूमत की। आपकी हुकूमत 10 साल यानी आपकी खिलाफत 10 साल तक थी। अब हम बात करेंगे तीसरे खलीफा राशिदीन यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने इस्लाम की खिदमत की और आपके दौर में बहुत से फितने पैदा हुए। आपको अल्लाह ने बहुत माल व दौलत अता किया था और आपने इस्लाम के लिए बहुत माल व दौलत को कुर्बान किया। आपके दौर में बहुत से फितने पैदा होने शुरू हो गए। आपने सब कुछ इंसाफ से काम किया। आपका ताल्लुक बनी उमैया के कुरैश से था। आप एक जलील व कद्र सहाबी थे। आपकी पैदाइश 579 में ताइफ सऊदी अरबिया में हुई। आपकी
खिलाफत 644 से 656 तक हुई। आपने 17 साल हुकूमत की और आपकी विसाल 656 ईस्वी को हो गई और आपकी कब्र मुबारक मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। सर हजरत उस्मान गनी को जुल नूरैन कहा जाता था, यानी दो नूरों वाला। क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों बेटियां आपके निगाह में दे रखी थी और आपको आपके घर में ही शहीद कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा। हजरत मौला अली इबन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बचपन में ही हुजूर के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था। आपकी विलादत काबा शरीफ में हुई। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा था। आपकी शान बहुत बुलंद और आला थी। आपका निकाह हुजूर ने अपनी बेटी से हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से की थी। अच्छा। हुजूर की नस्ल अल्लाह ने आपकी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से चलाई। आपकी विलादत 601 ईस्वी में हुई और आपकी वफात 661 ईस्वी में हुई और आपकी कब्र मुबारक नजफ़े अशरफ इराक में हुई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के चचेरे भाई भी थे। आपको शेर खुदा इसलिए कहा जाता था, जब भी इस्लाम की जंग की बात आई तो मौला अली ने अकेले ही सैकड़ों को वासिले जहन्नुम किया। आपने खैबर के दरवाजे जो 18 फीट से भी लंबे थे आपने अपने हाथों से उन्हें तोड़कर फेंक दिया। आपने 656 से 661 तक हुकूमत की, यानी खिलाफत की। जो पहला हस्त था उसमें हुजूर ने एक ऊंचे टीले पर खड़े होकर कहा, अली का हाथ पकड़ के, कि मन कुन तो मौला अली उल मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर ने हजरत अली को बहुत बड़ा रुतबा अता किया। अगर सहाबा के अंदर कुछ इख्तलाफात हो जाते तो हजरत मौला अली की बारगाह में हाजिर होकर उसका हल निकाला करते थे। अल्लाह ने आपको इतना इल्म दे दिया कि आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इस वीडियो दे विच काफ़ी चीज़ें मैं नवी पता लगी हैं कि इस्लाम दे विच जो चार खलीफा हुए ने वो 700 ईस्वी तो पहला हुए ने, तो मुहम्मद साहब के टाइम दे विच उन्होंने लाइफ टाइम दे विच मिले हुए है, मतलब कि उन्होंने नाल मिलते जुलते रहते। तो चार खलीफे सन, हज़रत अबू बकर जी, हज़रत उमर जी, हज़रत उस्मान जी, तो हज़रत मौला अली जी। ठीक है। सो उन्हां दा मतलब किसी ना किसी ढंग नाल जो रिलेशन रहा है मुहम्मद साहब नाल, ते पर उस तो बाद दी गल की, मतलब उस तो बाद जो खलीफा होए हन इस तो इलावा जा नहीं होए हन, क्योंकि मैं जब तक सुनया कि इन्हां चार खलीफा बारे ही सुनया, ते अज दे समाज दा तां मैनूं पता नहीं है। वो पाक रूहां सी, वो बहादुर सूरमे सीगे जिहड़े अपने पिछोकड़ विच सी, जो पुराने जमाने विच सी। सिखिज़म विच बाबा बंदा सिंह बहादुर, बाबा दीप सिंह, कुछ इदां दे जरनैल होए ने कि जो संत भी सी। ठीक है। तो एट द सेम टाइम दे आर वॉरीयरस आलसो। ठीक है। उस तरह आपां अज दे इस वीडियो विच देखिया कि जो इस्लाम दे विच खलीफा सन वो सेम टाइम खुदा दी बंदगी भी करते सी, एंड एट द सेम टाइम वह जंगा भी लड़ते सी। ठीक है। तो उन्हां दे विच किन्नी ताकत हुंदी सी, किन्ना उन्हां दा भारी शरीर हुंदे सी। ठीक है। ये गल्ला मैं तो पूरी शॉर्ट ही नाल कह सकदा, क्योंकि ये गल तो 600 ईस्वी की गल हो रही है, तो जो सिख इतिहास आ वह तो सारा 500-600 साल पहलां दा। तो उस टाइम भी उदों दे जिहड़े सिख सी, जो उदों दे इंसान सी, मतलब वह इन्नियां भारियां भारियां ढालां, कोई 15-15 किलो दी, 30-30 किलो दी ढाल इदां हाथ 'च फड़नी, नाल किरपान मतलब तलवार फड़नी, सवॉर्ड। ठीक है। वह फड़नियां इन्नियां भारियां, तो जो जंग दे जो उन्हां दे बस्तर हुंदे सीगे, ठीक है, जो उन्हां दी यूनिफॉर्म हुंदी सी, वह इन्नी 22-22-25-25 किलो दियां यूनिफॉर्म्स वह कैरी करनियां। तो अजकल तुसीं देखिया होना कि महाराजा रणजीत सिंह दा जो म्यूजियम है लाहौर दे विच, उत्थे यूनिफॉर्म्स इदां दियां पईआं। ठीक है। सो एक इंसान अजकल एक सिलेंडर चकना होवे तो वह नहीं चक्या जाता, पर उस टाइम च देखो किन्ने हैवी इंसान सीगे, उन्हां च किन्नी एक जानदार रूह सी, किन्ना उन्हां दा शरीर किन्ना वड्डा, ते मतलब किन्ना जबरदस्त उन्हां दी एक दिख हुंदी होगी, किन्नी परसनैलिटी जबरदस्त होनी है, कि एट द सेम टाइम वह वरियर्स भी है, तो सेम टाइम वह एक संत भी ने। ठीक है।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਗੱਲਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਨ ਮੁਸਲਿਮ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੰਸ਼ਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਹੋਰ ਦੇਖਾਂ। ਐਂਡ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਮੇਰਾ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦ ਆਏਗੀ, ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।